वेलकम बैक माई चैनल माई स्टाइल माई फैशन। और अभी 12:30 हो चुके हैं और देखिए आटा खाली हो गया है तो डब्बा भरना है। और यहाँ पर दाल चावल हो गए हैं। आज हम बनाएंगे दाल ढोकली, जिसके लिए मुझे भी आटा गूंथना है और मैंने बाल धो के रखे ना, तो फिर रुमाल मैंने खोला नहीं है क्योंकि सर्दी हो जाती है, मौसम अभी सब गड़बड़ वाला चल रहा है। और संडे का दिन मतलब क्या होता है ना, आराम वाला दिन होता है, तो आज आराम आराम से हम लोग उठे और सारा काम है ना वो आराम आराम से कर रहे, इसीलिए आज 12:30 बज गए। और आज क्लास भी नहीं जाना है, तो वो सबसे बड़ी बात है कि कहीं जाना नहीं है हमें। और सब्जी मार्केट घर में आ गया है, तो मैं सब्जी आपको बता देती हूँ। मैंने पूरे हफ्ते की सब्जी आ गई है, ये देखिए लौकी है, बैंगन, हरी मिर्च, ये धनिया पत्ती, मटर, ये चौली है, भिंडी है, और ये सब्जी किसी को पसंद नहीं है वो वाली है, लेकिन खानी ज़रूरी है। यहाँ पर है बीट, और सबसे बड़ी बात ये वाली, घर में अभी है ना मच्छर बहुत, मेरे से बंद कर देते हैं खिड़कियाँ, फिर भी मच्छर जाते नहीं है, पता नहीं कहाँ से पूरी जगह पे, ऐसा नहीं है कि हमारे उधर ही हो गए, पूरे यहाँ के जो एरिया है ना सब जगह पे बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया। और कितनी दवाइयाँ हमने ट्राई की, एक भी दवा इनके ऊपर काम नहीं करती है। तो कल फिर है ना ये पेपर लेके आए हैं जो टीवी में हमने देखा था, इससे मच्छर जाते। तो कल का दिन तो हम बहुत थक गए थे और सो गए, तो एक भी मच्छर आके गया बाजू में वो पता नहीं चला है। अभी आज का दूसरा दिन है तो देखते हैं मच्छर कितने जाते हैं और आते हैं। सारी दवाइयाँ ट्राई कर ली लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। और बर्तन भी आज तो ऐसे ही सिंक में रखे हैं। चलिए फटाफट से अपना काम पूरा करते हैं। और चक्की चालू की है, एक बार का पीस लिया है। अभी ये जो आटा का डब्बा है ना वो मैं अभी देख लेती हूँ साफ़ करने जैसा है कि नहीं है, अगर साफ करने जैसा होगा तो फिर उसे धो के उसके बाद उसमें आटा मैं भरूँगी, नहीं तो अच्छा रहेगा तो फिर आटा उसमें रख दूँगी। तो चलिए मैं पहले है ना आटा गूँथ लेती हूँ ताकि खाने की तैयारी आगे चले और बाकी जो काम है ना वो होते जाए। और फ्रिज में ये सारी सब्जियों को रख देना है। चलिए काम शुरू। उबलने के लिए रख दी है, आटा को है ना अपनी जगह पे रखना है फ्रिज में। पहले सोचा उनको अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बारी है फ्रिज में ये सब्जियों को रखने की। तो धनिया पत्ती आज मुझे चाहिए और मटर को छील लेना है। और अभी एक काम याद आ गया, जो कुकर की मुझे अभी ज़रूरत है, मुझे मटर भिगोने हैं, शाम को कुछ स्पेशल बनने वाला है हमारे यहाँ। मैंने ये सफेद वाले मटर है वो 1.5 कटोरी ले लिए है, अभी इसे मुझे भिगोना है। छोक मैंने लगा दी है, जब भी छोक लगा देना तो वो मसाला उड़ता है ना, तो खांसी आ गई मुझे। तो अभी दाल तैयार है, अभी इसमें ढोकली बनानी है तो ढोकली डालेंगे, ये इसमें उबाल आएगा ना तभी।
और चावल तो तैयार ही है, और मैंने मटर को है ना गरम करके रख दिया है। रात को शाम को मतलब रात के खाने में ना कुछ स्पेशल बनाना है, तो उसकी तैयारी मैं अभी से कर रही हूँ। तो मटर पूरी दोपहर भिगेंगे, शाम तक तैयार हो जाएगी। और सब्जियाँ मैंने रख दी है, मटर छीलने हैं हरे वाले, और अभी भिगोए हैं वो सूखे वाले मटर है। तो चलिए अभी जो बाकी का काम है वो मैं पूरा कर रही हूँ। आधा घंटा सो गई थी और अभी उठी हूँ। सोई तभी किचन मैंने एकदम ही साफ कर दिया था, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। टाके फिट करने आए थे ना, तो टाके तो लगा दी, लेकिन किचन बहुत गंदा हो गया है। मैं दिखाती हूँ, देखिए किचन मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। और ये वाली टांकी लगाई है हमने, है ना, यहाँ से किचन पूरा साफ कर दिया है। जो यहाँ पर सब जगह पर कचरा गिरा था ना, वो सारा मैंने समेट लिया है, और अभी किचन है ना साफ लग रहा है। दूसरा भी काम करवाते हैं ना, तो कचरा बहुत सारा आ जाता है, दुनिया भर का कचरा मानो उसी वक्त घर में गिर जाता है। मैं टांकी लगाने के लिए प्लम्बर पे ही आए थे, हस्बैंड जी साथ में ही बैठे थे, तो मैंने सोचा मेरी क्या ज़रूरत है, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। और टाँकी तो अच्छे से लग गई है, अभी कल देखते पानी जब भी आएगा ना, और उसमें किस तरीके से मतलब अच्छे से भरता है कि नहीं भरता है वो कल पता चलेगा। प्लम्बर भैया ने इतना कचरा गिराया ना कि चाय बनाने से पहले मुझे ये कचरा साफ करना पड़ा, और अब मैं चाय बनाऊँगी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। तो चलिए दोस्तों, गर्मा गर्म चाय आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। ज़्यादा चाय नहीं बनाई, थोड़ी सी, लेकिन पीने से ना अच्छा लगता है। तो चलिए मैं चाय को एंजॉय करती हूँ। आज रात के खाने में है ना कुछ स्पेशल बनने वाला है, जो मैंने आपको दोपहर से बताया था। तो आज बनने वाली है पानी पूरी, तो जिसके लिए मैंने मटरों को उबाल के रख दिया है, और यहाँ पर है ना सब्जी बनाने के लिए थोड़े से मटर मैंने अलग निकाले हैं, और हरी चटनी अभी मैंने बना ली है, और जो मीठी वाली चटनी है ना वो अभी मैं बनाने जा रही हूँ। हरी चटनी बहुत बढ़िया बनी है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस बार की चटनी है ना बहुत बढ़िया वाली बनी है, तो अभी ये तीखी वाली चटनी तैयार है, और मीठी वाली चटनी जो है ना उसकी मैंने यहाँ पर तैयारी थोड़ी बहुत सी करके रखी है, तो इसको अभी मुझे पीस लेना है, उसके बाद ये मीठी चटनी भी तैयार हो जाएगी। तो मैंने आधे खजूर और आधी इमली ली है, इमली पुरानी है ना इसीलिए काली दिख रही है, और बाकी सारे खजूर हैं, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अभी इसको मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है ना उसके साथ में अभी पीस। और पानी पूरी बहुत बढ़िया बनी थी। पानी पूरी नाम बहुत छोटा है, लेकिन उसमें बर्तन है ना ढेर सारे निकलते हैं। मैंने पहले भी साफ किए उतने ही, और उतने बर्तन अभी भी मैंने साफ कर दिए, और अभी ये सारे बर्तन जा रहे हैं स्टैंड के अंदर, जो पूरी रात उसमें ही सूखेंगे, और कल सुबह फिर हम लोग इसे लगा देंगे। और सच में पानी पूरी खाने में ना बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसे ना हम ज़्यादा नहीं खा सकते, खाने वाले खाते हैं लेकिन हमसे उतना नहीं हो पाया, काफ़ी सारी पूरी पानी सब बच गया। कभी सोचते हैं ना कि आज हम खा लेंगे बहुत सारा, तो खाने को नहीं होता है, और पेट एकदम से ही हाउसफुल हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पर ही पूरा करते हैं, कल फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। बाय बाय और गुड नाइट।